नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में मैंने शेयर मार्केट से रिलेटेड ट्रेनिंग वीडियोस अपलोड करना शुरू किया है, जिसमें मैं बेसिक्स ऑफ चार्ट्स के बारे में बताता हूं कि स्टॉक मार्केट के चार्ट्स क्या होते हैं। जिसमें कुछ व्यूअर्स ने मुझे बोला था कि सर थोड़ा और बेसिक्स से स्टार्ट करें, जो एकदम बिगिनर लोग रहते हैं शेयर मार्केट में आते हैं उनको शेयर मार्केट क्या होता है उसके बारे में भी बताएं। तो आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपको बताऊंगा कि आखिरकार स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है और स्टॉक मार्केट में मुनाफा होता भी है या नहीं होता है, और अगर मुनाफा आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सारे के सारे वीडियो तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं। तो आइए अब शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो स्टॉक मार्केट के बारे में बताने से पहले मैं आपको इन जनरल टर्म्स में बताता हूँ कि मार्केट आखिरकार क्या होता है। तो मार्केट, जैसा कि आपको पता है कि एक जगह होती है जहाँ पे एक बायर होता है जिसको कुछ खरीदारी करनी होती है और एक सेलर होता है जिसको कुछ बेचना होता है। तो जो खरीदारी करने वाला व्यक्ति होता है वो खरीदारी इसलिए करता है क्योंकि उसको उस चीज़ की या उस वस्तु की आवश्यकता होती है, उसकी ज़रूरत होती है। और जो सेलर होता है वो इसलिए उस चीज़ को बेचता है ताकि वो अपना कुछ मुनाफा कमा सके। वो उसका एक तरीके से बिजनेस होता है जिसमें वो कुछ चीज़ों को सस्ते दाम पे लेकर के आपको देता है, जो कि थोड़े महंगे दामों पे देता है, और जो मार्जिन रहता है वो उसका एक तरीके से प्रॉफिट रहता है। तो इसी तरीके से अगर हम मार्केट को स्टॉक मार्केट के साथ या शेयर मार्केट के साथ कंपेयर करें तो दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ होती है। मार्केट में आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, कपड़ों की चीज़ें मिलेंगी, या हर वो वस्तु आपको मिलेगी जो आपके ज़रूरत के लिए रहती है। और उन सभी वस्तुओं को जो कंपनियां बनाती हैं उनको अपना जो बिजनेस है उसको ग्रो करने के लिए आगे की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, और वो पैसा उनको जो मिलता है वो शेयर मार्केट से मिलता है। वो अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करती हैं जिसके वजह से जो इन्वेस्टर होते हैं वो बाय करते हैं उस कंपनी को, और उस वजह से शेयर मार्केट के थ्रू वो पर्टिकुलर कंपनी को पैसा आता है और अपना वो बिजनेस ग्रो करते हैं। तो ये एक तरीके से साइक्लिक प्रोसेस रहती है। अब अगर हम देखें कि आखिरकार स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, तो इसमें जो है जैसा एक मार्केट होता है उसी तरीके से स्टॉक मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे चीज स्टॉक्स या कंपनी को बाय किया जाता है, सेल किया जाता है। जो बायर होता है वो कंपनी में कुछ पोटेंशियल देखता है कि आने वाले दिनों में वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है तो इसलिए वो बाय करता है। जो सेलर होता है वो उसको लगता है कि अब मुझे मुनाफा बांध लेना चाहिए या फिर अब उसको पैसे की ज़रूरत रहती है, तो फिर वो अपने जो स्टॉक्स होते हैं उनको सेल करता है। और जब कभी आप किसी कंपनी को बाय करते हो, किसी कंपनी के स्टॉक्स को बाय करते हो, तो आपको उस समय उस पर्टिकुलर कंपनी के एक तरीके से ओनरशिप मिल जाती है, आप उस कंपनी के वो पर्टिकुलर पार्टनर बन जाते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि यार कोई कंपनी अपना ओनरशिप किसी दूसरे आदमी को क्यों देगी, तो इसको भी मैं उदाहरण से आपको बताना चाहूँगा कि समझ लीजिए कोई आदमी है जो कि ए है फॉर एग्जांपल के लिए, उसको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या अपने बिजनेस को ग्रो करना है जो कि उसकी कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड। अब उस कंपनी को ग्रो करने के लिए समझ लीजिए उसको कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है, समझ लीजिए 1 करोड़ करंटली उस बिजनेस में लगते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उसको जब एक्सपेंड करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो वो ग्रो करने के लिए उसको समझ लीजिए 10 करोड़ रुपए और लगने वाले हैं। तो अब वो क्या करेगा, अब उसको क्योंकि पैसे की तो रिक्वायरमेंट है और बिजनेस भी उसको ग्रो करना है, तो उसके लिए वो शेयर मार्केट में आता है जिसमें वो अपने 1 करोड़ शेयर्स को जो है मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए लेके आता है, उनको अपने बिजनेस के बारे में बताता है, पोटेंशियल्स के बारे में बताता है, और बोलता है कि मैं अपने जो शेयर्स हैं उनको 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ मार्केट में लेके आया हूँ, यानी कि उसका जो एक शेयर है उसकी वैल्यू 10 रुपये के बराबर रहेगी, इसलिए उसको जब उसके 1 करोड़ शेयर्स मार्केट में लोग खरीद लेंगे तो उसको 10 करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा की कीमत मिल जाएगी, और उसी वजह से ये जो शेयर्स हैं वो खरीदेंगे जो मार्केट में इन्वेस्टर्स रहते हैं या ट्रेडर्स रहते हैं, वो लोग ये पैसा कंपनी की पार्टनरशिप लेते हैं, कंपनी को पैसा देते हैं कि आप ग्रो करो, और जब कंपनी ग्रो करती है उसका जो प्रॉफिट होता है, अब क्योंकि आप कंपनी के पार्टनर बन चुके हैं तो जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आपको मिलता है, और सिमिलरली अगर कंपनी का लॉस होता है तो लॉस भी आपको ही भुगतना पड़ता है क्योंकि जो कंपनी का शेयर प्राइस रहता है वो नीचे आ जाता है।
तो अब अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट क्या हो सकता है, तो स्टॉक मार्केट सिंपली एक मार्केट है, जैसे कि खुला बाजार रहता है जिसमें एक बायर होता है, सेलर होता है। बायर को कुछ खरीदना होता है तो वो सेलर के पास जाता है, और सेलर को कुछ बेचना होता है तो वो बायर के पास जाता है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, जब तक बायर रहेंगे तब तक सेलर रहेंगे। जब कभी भी बायर्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है और सेलर्स कम हो जाते हैं तो ये एक तरीके से डिमांड एंड सप्लाई के तर्क पे काम करता है। जब कभी बायर ज़्यादा हो जाएंगे, सप्लायर जो सेलर है वो कम हो जाएंगे, तो उसका प्राइस जो है वो बढ़ने लगता है। उसी तरीके से जब बेचने वाले ज़्यादा होते हैं लेकिन कोई खरीदार नहीं होता है, तो स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आने लगता है। अब अगला सवाल आप लोगों के मन में आता है, ये सब तो ठीक है, स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है वो पता चल गया, लेकिन क्या स्टॉक मार्केट से पैसा भी बनता है? तो स्टॉक मार्केट को नॉर्मली आपने सुना होगा बियर रन में है या बुल रन में है, ऐसा बोला जाता है। बियर का मतलब होता है कि स्टॉक मार्केट गिर रहा है, और बुल्स का मतलब होता है जो स्टॉक मार्केट चढ़ रहा है, यानी कि जो खरीदार हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं और स्टॉक के जो प्राइस है उसको ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और स्टॉक मार्केट में क्या आपका पैसा बढ़ता है? तो ये बात सही है कि अगर आप अपने पैसे को सही जगह सही समय पे निवेश करते हैं तो आपका जो पैसा है वो ग्रो भी करेगा। उसी के साथ स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने का एक और रास्ता जो है, और एक सीक्रेट जो है, वो है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक टाइमिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपने सही टाइमिंग पे सही जगह पे निवेश किया है तो आपका जो पैसा है वो ज़रूर ग्रो होगा। तो जो पहला तरीका है प्रॉफिट बनाने का, वो है कि आपको जो निवेश करना है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो एकदम सही जगह पे होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि जहाँ कहीं पे भी आप निवेश कर रहे हैं उसको जो टाइमिंग है वो एकदम सही होना चाहिए। राइट टाइम पे राइट प्लेस पे अगर आप निवेश करेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। तीसरा जो है, आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने किसी भी जगह पे ज़्यादा एक्सपोजर लेके रखा हुआ है तो हो सकता है वो आपके लिए रिस्क भी क्रिएट कर सकता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि सही जगह आप कैसे पहचानेंगे या सही कंपनी आप कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, यानी कि जो कंपनी प्रॉफिट आने वाले दिनों में बना सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई ऐसी कंपनी है जो खाने पीने के आइटम बनाती है, और जैसा कि आपको पता है चाहे कुछ भी हो जाए लोग खाना पीना बंद नहीं कर सकते, तो उस तरीके की कंपनी एक तरीके से आपको अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कंपनी कुछ ऐसा प्रोडक्ट ना बनाए जिसमें कि प्रॉब्लम आ सकती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि नेस्ले के साथ हुआ कि मैगी के प्रोडक्ट में कुछ कमियां पाई गई थी जिस वजह से वो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा पिट गया था, और उसी समय पे अगर आप देखेंगे अगर आपने एकदम पीक टाइम पे ले लिया होगा तो लगभग जो स्टॉक था वो काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुका था या काफ़ी नीचे आ चुका था, तो वो एक तरीके से गलत समय बन चुका था आपके खरीदारी के लिए। इसलिए आपको जो उसका चार्ट्स रहते हैं उनको भी देखना चाहिए, उनकी जो वैल्यूएशंस रहते हैं उनको देखना चाहिए, उसके बाद ही किसी भी स्टॉक में निवेश करना चाहिए। अगर हम निफ्टी के तौर पे बात करें तो अगर देखेंगे कि 2018 के स्टार्टिंग में निफ्टी लगभग 11,000 के आसपास आ चुका था और वहाँ से लगभग 1,000 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है, क्योंकि जो निफ्टी के वैल्यूएशंस थे वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके थे। लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि निफ्टी 11,000 से 12,000 के पास भी जा सकता था, और आपको वो जो पॉइंट था वो मिस नहीं करना चाहिए था। तो उस चीज़ के लिए आपको बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपका जो पोर्टफोलियो रहता है या जो आपके स्टॉक सिलेक्शंस रहते हैं उनको डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, यानी कि आपको सारा का सारा पैसा एक ही टाइम पे नहीं लगाना चाहिए, एक ही स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। उसके लिए आपको जो है बैलेंस करना चाहिए, यानी कि टाइमिंग प्लेस और बैलेंस, ये तीनों चीज़ जब आप करेंगे तो आप निफ्टी या फिर शेयर मार्केट से पक्का पैसे बनाएंगे। अगर बैलेंस की बात की जाए या डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाए तो आपके जो भी पैसे हैं जितने भी स्टॉक्स में आप लगा रहे हैं वो ऐसे सेक्टर्स को कवर करने चाहिए जो आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। आपके इसमें डिफेंसिव सेक्टर के भी स्टॉक्स होने चाहिए। टाइमिंग के हिसाब से बोला जाए तो फिर आपको सभी की सारा का सारा पैसा एक ही साथ नहीं लगाना चाहिए, कुछ पैसा आप ऊपर के समय पे लगा सकते हैं, और जब कभी मार्केट में करेक्शन आता है 10 या 20% का, उस समय आप बाकी का पैसा लगा सकते हैं। सो और जो पैसा लगाने की जगह है वो प्लेस फाइंड करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, एनालिसिस करनी पड़ते हैं फंडामेंटल्स के। तो इन तीनों ही टॉपिक के ऊपर मैं आने वाले दिनों में वीडियो अपलोड करूंगा। टाइमिंग की जो बात है जिसमें हम चार्ट एनालिसिस को बोल सकते हैं, जहां पे आपको पता चलता है कि कौन से स्टॉक अभी कौन से लेवल्स पे खड़ा है या कौन से लेवल्स पे उसकी वैल्यू है,
तो चार्ट एनालिसिस के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करने शुरू कर दिए हैं, जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ चार्ट के बारे में बताना शुरू किया है। जहाँ तक बैलेंस की इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में भी पता होना चाहिए, उसके बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप वो सारे ही वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी मैंने शेयर मार्केट के बारे में जिस तरीके से आपको बताया है, वो जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल है, तो वो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आपका कोई भी सजेशन है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं अपने वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की हमेशा कोशिश करता रहूँगा। आप लोगों के सजेशंस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, तो आपके कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई सवाल है, तो वो भी आप मुझे कमेंट पे कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है, मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।